इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम वाटर कितने टाइप के हैं उसको हम देख लेते हैं। वाटर का जो टाइप है, फर्स्ट है सॉफ्ट वाटर, सेकंड हार्ड वाटर और थर्ड है हैवी वाटर। जो इसका वाटर का क्या है आइसोटॉप है उसे हम कहते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर को हम D2O से डिनोट करते हैं। ये जो पर्टिकुलरली जो हैवी वाटर है किस पर्पज से काम में लिया जाता है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में पर्टिकुलर काम में लिया जाता है, क्योंकि इसका मेन रीजन है कि ये न्यूट्रॉन की जो मूवमेंट है उसको क्या करता है, स्लो करता है। तो ये वाटर का क्या है आइसोटॉप से यदि एग्जाम में पूछा जाए कि वाटर का आइसोटॉप क्या है, तो ये आपका है ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड। ये है इसका वाटर का आइसोटॉप है। अब हम डिस्कस करते हैं सॉफ्ट वाटर क्या है, हार्ड वाटर क्या है। वाटर को क्लासिफाई किया है उसके 100 बिहेवियर के बेसिस पर, किसमें सॉफ्ट वाटर और दूसरा है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर ऐसा पानी जो साबुन के साथ झाग देता है उसे हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर, और दूसरा है ऐसा पानी जो कैल्शियम और मैग्नीशियम से फ्री है उसे हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर को हिंदी में हम कहते हैं मृदु वाटर कहते हैं। रेन वाटर क्या है, ये सॉफ्ट वाटर है। नेक्स्ट है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या है, क्योंकि हम 100 बिहेवियर के से रिगार्डिंग हम बात करते हैं, तो ये क्या कहता है, ये जैसे ही हम साबुन हार्ड वाटर के में मिक्स करते हैं या हार्ड वाटर में जब साबुन रब करते हैं तो ये क्या होता है कि लेदर का फॉर्मेशन नहीं रहता है, उसे हम कहते हैं हार्ड वाटर। लेदर का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होने की वजह से लेदर का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब पानी सोप के साथ रिएक्ट करता है ऐसा पानी कहलाता है हार्ड वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ द वाटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वाटर विच प्रिवेंट द लेदरिंग ऑफ द सोप ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल बाई प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन विच प्रेजेंट इन द वाटर इन डिजोल्व कंडीशन। इसका मतलब यह है कि हार्डनेस ऑफ वाटर एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है या प्रॉपर्टी है। ये साबुन के साथ रिएक्ट कर, ये का मतलब ये है कि वाटर साबुन के साथ रिएक्ट कर लेदर का फॉर्मेशन नहीं करता है, क्योंकि ये वाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंट होने की वजह से जब साबुन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। केमिकल रिएक्शन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है C17H35COONA, तो ये क्या होता है सोप है। सोप क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, उसे हम कहते हैं सोप कहते हैं। तो यहां पर ये है हायर फैटी एसिड है, किसका है सोडियम सॉल्ट है। सोप किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में क्या है कैल्शियम और मैग्नीशियम, चाहे कैल्शियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम क्लोराइड हो, कैल्शियम सल्फेट हो, मैग्नीशियम सल्फेट हो, कोई सा भी, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर में प्रेजेंट है तो ऐसा पानी कहलाता है हार्ड वाटर। अब सोप प्लस हार्ड वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाता है, वाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। जैसे ही व्हाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना तो ये लेदर को बनने से क्या करता है, रोकता है। तो यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन यही दे रखा है, सोप है, सोप हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, चाहे कैल्शियम सॉल्ट है या मैग्नीशियम सॉल्ट है, तो ये क्या बनाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट का जैसे ही फॉर्मेशन हुआ तो क्योंकि ये पानी में इनसॉल्युबल है तो ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा,
और जैसे ही प्रेसिपिटेट बना तो ये लेयर बनने से क्या करता है, रोकता है। टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, देयर आर टू टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, फर्स्ट टेम्पररी हार्डनेस और कार्बोनेट हार्डनेस, सेकंड परमानेंट हार्डनेस और सेकंड है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। हार्डनेस दो तरह की होती है, कौन कौन सी, स्थाई और दूसरा है अस्थाई। टेम्पररी हार्डनेस को हम क्या कहते हैं, अस्थाई हार्डनेस, और परमानेंट हार्डनेस को हम कहते हैं स्थाई हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस को हम क्या कहते हैं, क्योंकि कार्बोनेट प्रेजेंट होता है तो इसको हम कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं, और परमानेंट हार्डनेस में कार्बोनेट नहीं होता है तो इसलिए हम कहते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। टाइप्स ऑफ हार्डनेस में हम सबसे पहले टेम्पररी हार्डनेस को डिस्कस करेंगे। टेम्पररी हार्डनेस क्या है, टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड अदर हैवी मेटल। टेम्पररी हार्डनेस का मेन रीजन क्या है, या हम क्या है, टेम्पररी हार्डनेस किसे कहते हैं, ऐसे हार्डनेस जो कि क्या है, कार्बोनेट्स है जिसमें क्या है बाइकार्बोनेट्स, किसके हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं टेम्पररी हार्डनेस, या हम क्या है कार्बोनेट हार्डनेस। ये तो इसकी हो गई डेफिनेशन। अब कौन कौन से सॉल्ट रेस्पॉन्सिबल है टेम्पररी हार्डनेस के लिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है टेम्पररी हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाता है। टेम्पररी हार्डनेस का मतलब है टेम्पररी अस्थाई है, जिसे हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो हम केवल सिंपल बॉइलिंग मेथड से हम क्या करते हैं टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। बॉइलिंग मेथड से हम कैसे रिमूव करते हैं, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो जितने भी बाइकार्बोनेट्स है हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट होता है तब ये क्या करता है कि हाई टेम्परेचर पर बाइकार्बोनेट डीकम्पोज हो जाते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट सबसे पहले मैग्नीशियम कार्बोनेट में होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट फिर किसमें कन्वर्ट होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होकर जितने भी टेम्पररी हार्डनेस है हम उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब हाई टेम्परेचर पर डीकम्पोज होता है तो डीकम्पोज होकर कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में डीकम्पोज होगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हाई टेम्परेचर पर डीकम्पोज होकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, एनवायरमेंट में लिब्रेट होगी। इस टाइप से हम क्या करते हैं टेम्पररी हार्डनेस को हम क्या करते हैं सिंपल बॉइलिंग मेथड से हम क्या करते हैं रिमूव करते हैं। परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन एंड अदर हैवी मेटल। परमानेंट हार्डनेस क्या है, परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम और अदर हैवी मेटल्स के क्लोराइड और सल्फेट है, उसे हम कहते हैं परमानेंट हार्डनेस। और ये क्या है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है, इसमें कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी हम कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग मेथड। ये सिंपल बॉइलिंग मेथड से हम इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं केमिकल एजेंट को हम क्या करते हैं काम में लेते हैं। थैंक यू गाइस, आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। परमानेंट हार्डनेस या हम कहें नॉन कार्बोनेट हार्डनेस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए हम इसको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कहते हैं। सेकेंड है परमानेंट हार्डनेस इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको सिंपल तरीके से या हम कहें सिंपल बॉइलिंग मेथड से रिमूव नहीं कर सकते हैं, और ऐसी हार्डनेस जो कि क्या है परमानेंट है और केवल हम केमिकल एजेंट ऐड करते भी ही हम उसको क्या करते हैं रिमूव कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस है क्या है, परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड अदर हैवी मेटल्स आयन्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। परमानेंट हार्डनेस क्या है, परमानेंट हार्डनेस किसके है, कैल्शियम, मैग्नीशियम
और अदर हैवी मेटल आयन जैसे एल्यूमिनियम, आयरन एक्सेट्रा के क्या है, क्लोराइड और सल्फेट है, उसे हम कहते हैं परमानेंट हार्डनेस या हम कहें नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। सेकेंड पॉइंट है, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग मेथड। इसे हम सिंपल बॉइलिंग मेथड से हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, केवल हम केमिकल एजेंट को ऐड करते हुए ही हम क्या करते हैं परमानेंट हार्डनेस को हम रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, आप मेरे वीडियोस का डिस्क्रिप्शन जाकर देखें जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट लिंक दे रखे हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर का ही थर्ड पार्ट लेंगे जिसमें परमानेंट हार्डनेस को हम किन किन मेथड से रिमूव कर सकते हैं उसके बारे में हम